मंच पर उपस्थित डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी, आदरणीय मानु घोष जी, श्रीमती अमूला पाठक जी, श्री सौमेंद्र चटर्जी जी, श्रीमती उषा चौमट जी, और आज इस पवित्र कार्य में जुड़े हुए देश भर से आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं ऐसी जगह पे खड़ा रहकर आप सबसे बात कर रहा हूं कि जो पूरी सृष्टि में सबसे पवित्र काम के अंदर जुड़े हुए लोग हैं, ऐसी संस्था में खड़ा रहकर बात कर रहा हूं। देखने में तो ये कार्यक्रम बहुत छोटा दिख रहा है, हम 500-600 लोग यहां पर, पाठक जी ने जो एक बड़ी दुनिया खड़ी की है उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मगर ये काम जो है वो काम अपने आप में विराट है। और मैं मानता हूं कि इस काम को बहुत साल पहले समाप्त हो जाना चाहिए था। लगभग 74 से पाठक जी ने आंदोलन शुरू किया होगा, 68 से शुरू किया, 68 को ही अगर मान ले तो आजादी के 20 साल बाद किसी को वैचारिक आंदोलन शुरू करना पड़ा कि इस देश में शौचालय की व्यवस्था सर्वस्वीकृत। खैर, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, विपत्तियों से और विडंबनाओं से घबराने वाला व्यक्ति नहीं हूं। उसके सामने व्यक्ति ये नाते, संस्था ये नाते और समाज ये नाते लड़ाई करनी चाहिए, ऐसे मूड का कार्यकर्ता हूं मैं। मित्रों, ये जो स्वच्छता का विचार आंदोलन सुलभ इंटरनेशनल ने चलाया है और आज करीब करीब दिख रहा है कि आंदोलन सफल रहा है। तीन प्रकार के आंदोलन होते हैं, धार्मिक आंदोलन होते हैं, राजनीतिक आंदोलन होते हैं और वैचारिक आंदोलन होते हैं। धार्मिक आंदोलन के अंदर व्यक्तियों की भावनाओं को साथ में लेकर आगे बढ़ना होता है। राजनीतिक आंदोलन में एक लक्ष्य होता है, वो लक्ष्य को सामने रखकर आगे बढ़ना होता है, मगर कोई व्यक्ति एक विचार को जब आंदोलन बनाता है तो उसका लक्ष्य इतना सरल नहीं होता, बहुत सारी कठिनाइयां होती है, क्योंकि यहां पाना कुछ नहीं, सिर्फ देना ही देना है, इस प्रकार से विचार आंदोलन चलता है। और इसलिए मैं मन से, मेरी ओर से और मेरी समग्र पार्टी की ओर से श्रीमान पाठक जी को हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस काम को अपना जीवन का मंत्र बनाया है। गांधी जी ने आजादी के आंदोलन के साथ जुड़ने के साथ ही गोखले जी के अभिप्राय के आधार पर पूरे देश को घूमना और देश को समझना शुरू किया था, और वो बिल्कुल सही था। अगर गांधी जी का भारत भ्रमण अफ्रीका के आने के बाद न हुआ था तो गांधी जी ने इतनी मूलभूत चीजों को पकड़ा न होता और आजादी भी न मिली होती। कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से कामरूप तक, असम तक फैला हुए विराट देश को गांधी जी ने पूरे धैर्य के साथ घूमकर देखा, देश की समस्याओं को समझा था, और बाद में आजादी के आंदोलन के साथ साथ अनेक प्रकार के ऐसे विचारों को गांधी जी अपने कर्म के माध्यम से संदेश बनाकर छोड़ कर गए थे कि
कि जिससे आने वाली सदियों तक हिंदुस्तान का उत्थान होता है, उसमें से एक विचार था स्वच्छता। चाहे सादगी की बात हो, चाहे भारतीयता की बात हो, चाहे खादी की बात हो, चाहे स्वच्छता की बात हो, ये सारी चीजों का आजादी के आंदोलन से कोई लेन देन नहीं था, मगर गांधी जी का लक्ष्य सिर्फ आजादी नहीं था, समाज के नाते भारत देश बहुत आगे आए, हमारे सारे दूषण को एक 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 कर हम पीछे छोड़ते जाए, इससे मुक्त हो जाए, ये भी उनका लक्ष्य था। और स्वच्छता को उन्होंने इसीलिए अहम मुद्दा बनाया था। और मित्रों, दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के इतने सालों के बाद भी स्वच्छता के संस्कार सिंचित करने के लिए किसी को आगे आना पड़ता है। शौचालय का प्रचार प्रसार और शौचालय बनने के बाद शौचालय में जाने की आदत लगाने के लिए अभियान चलाना पड़ता है। शौचालय बन गया, मगर व्यक्ति पूरा जीवन जो 50 साल 60 साल एक प्रकार से शौच करने की आदत डाले हुए, उसकी आदत भी बदलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इसके लिए भी अभियान चलाना पड़ता है। मैं जब नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने तब देश के साथ हमने बहुत सारी समस्याएं और तत्काल दिखने वाली समस्याएं थी। कोई महंगाई की बात करता था, कोई सीमाओं की सुरक्षा की बात करता था, कोई महिलाओं की सुरक्षा की बात करता था, कोई नीचे गिरता हुआ जीडीपी का विकास दर के ग्राफ की बात करता था, कोई रोजगारी की बात करता था, कोई हर घर में बिजली पहुंचाने की बात करता था। बहुत सारी समस्याएं उस वक्त चुनाव का मुद्दा बनी थी, मगर ऐसी भी समस्याएं थी जो दिखाई नहीं पड़ती थी, और नरेंद्र भाई ने दिखाई पड़ने वाली समस्याओं को तो बखूबी एड्रेस किया, मगर पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से शौचालय का उल्लेख करकर पूरे देश को एक ऐसी समस्या पर सोचने की दिशा में मजबूर कर दिया कि ये बात अगर हम नहीं सोचते हैं तो समाज के नाते हम अपूर्ण हैं। और मित्रों, मैं मानता हूं कि आगे की सरकारों ने, इसमें मैं किसी का दोष नहीं निकालना चाहते, कोई राजनीतिक मंच भी नहीं, मगर शायद इस काम को जन आंदोलन बनाया होता तो आज ये समस्या होती ही नहीं। नरेंद्र भाई ने समाज की समस्याओं को, सिर्फ सरकार इसका निवारण करे, सिर्फ सरकार इसके निवारण के लिए प्रयास करे, सरकारी योजनाओं से प्रयास हो, उसकी जगह समाज की समस्याओं का निवारण समाज को साथ में लेकर करने का एक नया रास्ता निकाला। उसमें से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आता है, उसमें से ही नमामि गंगे आता है, उसमें से ही शौचालय निर्माण और शौचालय के उपयोग के संस्कार का आंदोलन भी आता है। एक बहुत बड़ा अभियान भारत सरकार ने लिया है इस देश को खुले में शौच के अभिशाप से मुक्त करना, सर पर मैला ढोने के घृणास्पद व्यवसाय से हरेक नागरिक को मुक्त कर देना। मित्रों, मैं मानता हूं कि देश में जो जितने भी काम है हमारे सामने, उसमें टॉप मोस्ट प्रायोरिटी का अगर कोई काम है तो सर पर मैला ढोने वाले व्यक्ति को उस अभिशाप से मुक्त करने का काम। और इस काम को नरेंद्र भाई ने लाल किले से भाषण से सिर्फ कहा इतना नहीं, सरकार की प्रायोरिटी वाला एजेंडा बना है। जितनी भी सरकार के अंडरटेकिंग्स हैं, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स हैं, उसके समाज सेवा का जो उनका फंड होता है, वो सभी को शौचालय की ओर उन्होंने इंगित कर एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया है। 29 करोड़ से आसपास शौचालयों का निर्माण शुरू होना, और उसके साथ साथ पाठक साहब ने ठीक ही कहा, बनने से क्या होता है, अगर उपयोग करने लायक नहीं रहता है तो बनने का कोई मतलब ही नहीं। इसकी रख रखाव की व्यवस्था और इसकी आदत डालने का एक प्रचार अभियान भी भारत सरकार ने उठाया है। लगभग 2502 गांव खुले में शौच की प्रक्रिया से भी
मुक्त हो गए हैं। 67 जिले खुले में शौच की प्रक्रिया से मुक्त हो गए हैं और 3 राज्य पूरे के पूरे सर पर मैला ढोने के अभिशाप से और खुले में शौच करने की प्रक्रिया से मुक्त होकर आज इस दिशा में आगे बढ़े हैं। मगर हमारा काम बहुत कठिन है। आज यहाँ पर काफी देरी हो रही थी, फिर भी एक तो पाठक जी आग्रह इतनी विनम्रता से करते हैं कि इसको कोई ना ही नहीं बोल सकता, और दूसरा इन्होंने जो काम किया है वो काम को देखकर और हर चीज को इतनी बारीकी से समझकर, छोटी छोटी चीजों का विचार कर एक संपूर्ण चक्र की व्यवस्था बनाई है, संपूर्ण चक्र। मित्रों, स्वच्छता के बारे में मेरी माता जी गांधी जी की बहुत बड़ी अनुयायी थी, तो बचपन से खादी, स्वच्छता, ये सारी चीजों को मैं सुनता आया हूँ, देखता भी आया हूँ और जीवन में कहीं ना कहीं मैंने अपनाया भी है। मगर मैंने स्वच्छता के इतने डायमेंशन हो सकते हैं, इतने परिमाण हो सकते हैं, ये पहली बार आज इस संस्था में आया हूँ। जीरो वेस्ट, जीरो वेस्ट, 100% वेस्ट से जीरो वेस्ट की दिशा में इस स्वच्छता के कार्यक्रम को कैसे जोड़ना, ये श्रीमान पाठक ने पूरी दुनिया को बताने का काम किया। और मैं मानता हूं कि 68 से लेकर आज तक पाठक साहब ने लगभग लगभग अपना पूरा जीवन इस काम के लिए अपनाया है। पाठक साहब को बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं, भारत सरकार ने भी पद्म अवार्ड से सम्मानित किया, दुनिया भर ने अवार्ड दिए है, मगर पाठक साहब मैं अलग दुनिया का व्यक्ति हूँ, ये अवार्ड कोई मायने नहीं रखते, ये सारे अवार्ड एक दौर और एक व्यक्ति जो सर पे मैला ढोता है उससे उसके मुक्ति दिलाकर उसका आशीर्वाद जो आपको प्राप्त हुआ होगा वो अवार्ड एक और, दोनों की कोई तुलना नहीं। करोड़ों लोगों के जीवन में उनके स्वास्थ्य का सुधार, उनको संस्कारित जीवन देने का संस्कार और स्वच्छता के काम के साथ जुड़े हुए लोगों का सामाजिक सशक्तिकरण, मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी बात है। और आज सुलभ इंटरनेशनल में पहले भी एक बार आने का मेरा कार्यक्रम तय हुआ था, मगर अनिवार्य कारणों के कारण मैं आ नहीं पाया था। आज मैं यहाँ आया, इसको सुना बहुत था, अपनी आंखों से देखा है और मैं मन से कहता हूं मित्रों कि समाज में बदलाव के लिए जो संस्थाएं काम करती है उसको किस तरह काम करना चाहिए वो देखना है तो सुलभ इंटरनेशनल में आकर देखना चाहिए, समझना चाहिए। इस संस्था के साथ जुड़े हुए भारत भर से आए हुए सभी भाइयों बहनों को मैं कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छे काम के साथ आप जुड़े हैं। इस काम के साथ जुड़ने का मतलब ही है इसी से आत्मा का कल्याण होता है और आगे की गति मिलती है। आप सभी को सुलभ परिवार के देश भर में फैले हुए लाखों जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से उनका अभिनंदन करना चाहता हूं और विशेषकर श्रीमान पाठक जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस काम को किया, मुझे यहां बुलाया, मेरा सम्मान किया और इतनी अच्छी गतिविधियों से परिचित होने का मुझे लाभ दिया, इसलिए हृदय से धन्यवाद कर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय।